हाय गाइस, आज मैं आपको ना फुल डिटेल्स दूंगा अपने पपीज के बारे में। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये देख सकते हैं 6 पपीज हैं टोटल, जिसमें 3 फीमेल और 3 मेल्स अवेलेबल है मेरे पास, जिसमें से एक मेल ऑलरेडी सेल हो चुका है, उसकी फुल पेमेंट आ चुकी है। छोटे की तो पप्पी ले ली बहुत सारी, भैया ने लिया है, वो सादरा में रहते हैं, दिल्ली में सादरा में। छोटे आपके पैरों में भी एक, और बाकी डिटेल्स उनके बारे में आपको बाद में दूंगा। ये देख सकते हैं पप्पीज कैसे मेरे बच्चे खेल रहे हैं पप्पीज के साथ। ये देखिए, ये सुबह आज की वीडियो है, ये सुबह मॉर्निंग के 7 बजे की। ये कैसे मेरे भाभी जी के ऊपर चढ़ने लग रहे हैं सारे पप्पीज खेलने के लिए। फुल्ली एक्टिव और हेल्थी पप्पीज हैं, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। देखिए आप कैसे रहते हैं, किसी केज वगैरह में मैं प्रॉपर नहीं रखता, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रखता हूँ ताकि फुल्ली एक्टिव हेल्थी रहें, कोई भी इनको इशू ना आए, कोई भी इनको प्रॉब्लम ना हो पपीज़ को। ये देख सकते हैं पपीज़ की क्वालिटी भी आपके सामने है, फुल्ली एक्टिव हेल्थी पपीज़ हैं। इनके मदर फादर्स के बारे में मैं आपको आगे डिटेल्स दूंगा, फुल डिटेल्स, क्या मैं इनको फीड देता हूँ, क्या फीडिंग मैं इनको कराता हूँ, कैसे कराता हूँ, सारी नॉलेज दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फुल्ली एक्टिव हेल्थी पपीज़ हैं, ये देख सकते हैं जो अभी ऊपर चढ़ रही है एक फीमेल है, और जो राइट में पीछे आ रहा है वाइट वाला वो मेल है। बहुत ही अच्छे पपीज़ हैं ये। 26 इनका बर्थ था, तो ये 26 के हिसाब से 34 डेज के समथिंग ये हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कैसे खेल रहे हैं मेरे बच्चों के साथ। और जो ऊपर बैठी है ये इनकी मदर है, ये बच्चों की मदर है जो ऊपर बैठी हुई है। ये देख सकते हैं मेरा बच्चा कैसे लेके सो रहे हैं, सारे खेलते खेलते बच्चे के ऊपर ही सो गए, मेरे छोटे के ऊपर छोड़ दे बेटे सो जाएंगे। देख सकते हैं कितने प्यार से बैठे हुए हैं सारे के सारे, और दो दो बगल में ही सो गए हैं बच्चे के। ये देख सकते हैं जो मैंने फीड देता हूँ, लैक्टोल का ये मिल्क फीड है, और जो आप साइड में देख रहे हो शेक वाली बोतल में, ये रॉयल कैनन है। इन दोनों को मिक्स करके मैं देता हूँ अपने पपीज को। ये देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है, गरम थोड़ा सा गरम पानी आप ले लीजिए, उसमें अपने जो मेरा लैक्टोक का है वो 1 चम्मच, और प्लस रॉयल कैनन को मैं डाल देता हूँ, फिर 1 से 1 घंटे के अंदर वो भीग जाता है, अच्छे से नरम हो जाता है, तो फिर उसको मैं हाथ से मेस करके इनको मैं फीड करा देता हूँ। ये देख सकते हैं कितने एक्टिव और हेल्थी हैं, बिल्कुल कितने एक्साइटमेंट हो रहे हैं फीडिंग करने के लिए। ये देखिए आप, ये देखिए कैसे फीड कर रहे हैं। शुरू में एक दिन प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम तो क्या है, वो मैंने इनको फीडिंग के टाइम पर उनको दिखाया था, तो उसके बाद इनको टेस्ट आ गया मुँह में, तो ये फटाक फटाक से खा लेते हैं सब। देखिए कितने इजीली आराम से सारे फीडिंग कर रहे हैं। और किसी भाई को अगर बुकिंग करानी हो या लेना हो पपीज़, तो अभी वो पेमेंट कर सकता है या एडवांस दे सकता है, क्योंकि मैं पहले एडवांस लेता नहीं हूँ किसी से भी जब पपीज़ छोटे होते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कोई पपी एक्सपायर कर जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। बट अभी 1 महीने के बाद आप एडवांस दे सकते हैं किसी भाई को अगर बुकिंग करानी हो, जो दिल्ली NCR में रहता है वो खुद आके ले सकते हैं। अदरवाइज किसी को डिलीवरी का कोई डिलीवरी करवानी हो कहीं पर, वो प्लीज़ उसको एडवांस देना पड़ेंगे 5000 रुपीज़ पहले, उसके बाद ही आपकी डिलीवरी हो पाएगी। और पपीज़ की आपको 100% श्योरिटी रहेगी मेरी तरफ से। अगर भाई जान मेरी तरफ से कोई मिस्टेक होती है, आपके पास पपीज़ नहीं पहुँचता है, तो मैं आपके पैसे रिटर्न दूंगा, उसका आपको 100% श्योरिटी है रिटर्न की। और ये देख सकते हैं ये फादर है इन पपीज़ का, ये भी मेरे पास ही अवेलेबल है, शिटजू टैडी नाम है इसका। ये देख सकते हैं इनकी मदर कैसे फीडिंग करा रही है अपने बच्चों को, आराम से मस्त सो जाती है, लेट जाती है आराम से, कितने इजीली पे पिलाती है इसको, ज़बरदस्ती मुझे हटाना पड़ता है क्योंकि बच्चे छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको बताऊँगा कि किस बंदे ने मेरा 7 लाख रुपए खाया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फुल डिटेल्स दूंगा कि अच्छे से काम करने का नतीजा क्या मिलता है लाइफ में, कि किस मालिक ने मेरा 7 लाख रुपए खा लिया, और कितनी प्रॉब्लम से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये देख सकते हैं, ये मेरे पपीज का घर, ये मेरे छोटे बेटे का कंबल था, तो उसी को मैंने काट के अभी उनको ऐसे रखता हूँ, इनके लिए बिछा देता हूँ नीचे। ये देख सकते हैं आराम से सो रहे हैं अब, फीडिंग वीडिंग करके। प्लीज़ भाई के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, और कभी भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं अपने पपीज़ के रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।